गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विल कंटिन्यू विद अवर चैप्टर 13. इन लास्ट क्लास आई हैव रेड अबाउट द सुनामी, हाउ द फ्लड के अर्थक्विक ऑकर्स. नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी शुड टेक ड्यूरिंग अर्थक्विक. अर्थक्विक आने के टाइम हमें क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. हमें स्टे अवे फ्रॉम टॉल बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के पास हमें नहीं खड़े होना चाहिए एंड वहाँ से निकल के ओपन एरिया में आ जाना चाहिए. डू नॉट यूज़ लिफ्ट, हमें लिफ्ट नहीं यूज़ करनी चाहिए. हमें इमरजेंसी एग्जिट एंड स्टेयरकेस से जाना चाहिए. इफ़ अनेबल टू एस्केप, अगर हम अपने आप को नहीं एस्केप कर पा रहे हैं, स्टे अंडर हैवी फर्नीचर. हैवी फर्नीचर के नीचे घुसकर हमें बैठ जाना चाहिए, जैसे टेबल. स्टे अवे फ्रॉम विंडोज़, विंडोज़ के पास नहीं होना चाहिए, मिरर्स के पास होना चाहिए, ना ही कोई शोकेसेस या फैंस के. इफ़ ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, अगर हम कोई व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं, गेट आउट ऑफ इट, उससे हट जाना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक केबल्स, इलेक्ट्रिक केबल्स से हमें अपने आप को बचाना चाहिए, ट्रीज से. नाउ देयर इज़ वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन द बॉक्स. You can answer this one. The point where the earthquake originate is called the focus. Yes, all of you tick on the focus. Okay. Now, volcanic eruptions. A volcano is an opening in the crust of the earth. Volcano जो है वो खुलता है अर्थ क्रस्ट में, किसके द्वारा? एक molten rock material के द्वारा, जिसको बोलते हैं हम लोग magma comes out. When this magma erupts, जब ये magma फट जाती है और flows करती है out on the surface, उसको बोलते हैं lava, hot gas से. Hot gases और ash also come out, उसमें से magma में से गर्म आग या आग के गोले निकल के आते हैं, जो कॉज करते हैं एयर पॉल्यूशन एंड लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. द ओपनिंग थ्रू विच, वो ओपनिंग जिससे लावा निकलता है, उसको बोलते हैं vent. How to prepare ourselves for volcanic eruptions. हमें volcanic eruptions में अपने आप को किस तरीके से सेव करके रखना चाहिए. Listen to radios और watch televisions हमें देखना चाहिए for any kind of warning. Move to safer place, और हमें safer place से हट जाना, safer place की तरफ जाना चाहिए. Always keep a bag with basic things, हमें bag में necessary basic things को रखना चाहिए with it ready. फॉर एग्जाम्पल टॉर्च हमारे पास होनी चाहिए एंड टॉर्च एंड स्टे टॉर्च एंड फर्स्ट एड किट. स्टे अवे फ्रॉम लावा, लावा से हमें दूर हटना चाहिए, हॉट गैसेस से, एज दे आर हार्मफुल, क्योंकि ये हमारे लिए खतरनाक होती हैं. डू नॉट रिटर्न टू द एरिया, उस एरिया पे नहीं जाना चाहिए उस टाइम तक. यू आर आस्क्ड टू बाय द अथॉरिटीज, ऑलवेज हैव हेल्पलाइन नंबर्स हमारे पास होने चाहिए, जिससे कि हम फायर एक्सटिंग्विशर को या किसी को भी हम इमरजेंसी में बुला सकें. नाउ लास्ट इज साइक्लोन. अ साइक्लोन इज ऑल्सो अ नेचुरल डिजास्टर. साइक्लोन भी एक नेचुरल डिजास्टर है. साइक्लोन के दौरान विंड्स ब्लो एट अ वेरी हाई स्पीड. आप लोगों ने सुना होगा जहाँ समुद्र होते हैं वहाँ पे साइक्लोन ज़्यादा से ज़्यादा आता है और विंड बहुत हाई स्पीड पे वहाँ पे चलती है. इट ऑलवेज हैपन्स नियर द सी कोस्ट एंड इट इज़ एंकम्पनीड बाई वेरी हैवी शॉवर्स. बारिश भी होती है. इन इंडिया द कोस्टल एरियाज ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज में, एंड द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, यहाँ पे साइक्लोन्स बहुत जल्दी आता है. हमें साइक्लोन्स से अपने आप को कैसे प्रिपेयर रखना चाहिए? कीप अ वॉच ऑन द वेदर फोकस. हमें वेदर फोकस्ड ऑल टाइम देख लेना चाहिए कि क्या है चल रहा है टेलीविज़न या रेडियो से. पे हीट टू द वार्निंग्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. इफ़ एनी देन मूव टू सेफर, अगर कोई है हमारे कुछ वार्निंग्स हैं तो हमें एक सेफर प्लेस पे वहाँ से हटके चले जाना चाहिए साइक्लोन आने से पहले. कैरी नेसेसरी आइटम्स हमें अपने संग, जैसे खाने स्टोर करके रखना चाहिए, ड्राई खाना, फूड, वाटर, फर्स्ट एड किट, ये सब हमें लेनी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी गिविंग यू द एक्सरसाइज. टिल देन, बाय.